एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल. दिस इज योर ममता. सो यार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे. गाइस, जैसा कि आप सभी टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है. आज की पूरी वीडियो होने वाली है DIY ग्लाइकोलिक एक्सफोलिएंट के ऊपर, या तो आप कह सकते हो एक ऐसा DIY जो कि आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा इन जस्ट वन यूज, लिटरली इन जस्ट वन यूज. क्योंकि ये जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लिटरली ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैंने खुद ने पर्सनली इसे ट्राई किया है एंड मुझे तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं. और मैं फिर से इसे ट्राई करने वाली थी, तो सोचा कि क्यों ना इसको फिर से आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, सो दैट आपको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन वीडियो. लेकिन वीडियो पर मूव ऑन करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर ही हो देन प्लीज मेरे सब्सक्राइब कर देना द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी. सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है DIY ग्लाइकोलिक मास्क के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं एक्सफोलिएंट के ऊपर. अब DIY इसलिए बोला क्योंकि वो इतने महंगे वाले ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएंट खरीदने की तो मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड एट द सेम टाइम इतना कम क्वांटिटी आता है, तो इतना ज़्यादा महंगा लेके कोई मतलब भी नहीं है. सेकेंड थिंग, वो लेके मुझे तो कोई फ़ायदा लगा नहीं है, मतलब लिया ही नहीं है कभी, तो फ़ायदा क्या ही लगेगा. तो हमेशा मैं DIY के साथ ही गई हूँ, तो सोचा कि ना इस बार DIY के साथ ही जाए. जब हम इतना ले लेंगे कि हाँ हम वो अर्न कर सकते हैं, तब डेफिनेटली उसका भी छोटा सा मिनी रिव्यू दे दूंगी, लेकिन अभी तो मैं वो बिल्कुल नहीं खरीद सकती. थर्ड, अभी मुझे हेयर केयर करना था बट एकदम इसे ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट के साथ नहीं करना था, सो इसलिए DIY. अब ग्लाइकोलिक एसिड आप सब जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन एंड हेयर के लिए. अब हेयर के लिए आज हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ हेयर के बेनिफिट्स देखने वाले हैं. हेयर में वो एक आपके एक्सफोलिएंट का काम करता है, जो डेड स्किन सेल्स है, फ्लेकी स्किन है, डैंड्रफ है, उसे रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उसे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. अभी मेरे हेयर की हालत देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसको मैं लिटरली एक हफ्ते से वॉश नहीं किया है एंड यू कैन सी कि कितने ज़्यादा बेकार दिख रहे हैं. प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे ना आपको डैंड्रफ भी दिखेंगे ड्यू टू कि हाँ अभी गर्मी का सीज़न है, तो ऑब्वियसली मैं वॉश नहीं की तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो रहे हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए. अब मैंने जब रिसर्च किया तो सबसे पहले मुझे पता चला कि शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के रस के अलावा बेस्ट चीज़ ग्लाइकोलिक एसिड के नाम पर कुछ भी नहीं है. अभी गन्ने का रस आपको गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपको गन्ने का रस ही चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए. अगर आपको मिलता है ना तो ब्राउन शुगर भी चलेगा, या तो फिर आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम ये टू स्टेप में करने वाले हैं, लिटरली टू स्टेप में. तो आप ग्लाइकोलिक एसिड ना काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के, आपके हेयर के जो फ्लेकी स्किन है उसे रिमूव करने में, आपके हेयर को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है, स्मूथ करने में हेल्प करता है, शाइनिंग करने में हेल्प करता है. अब इतना ज़्यादा बात करने के बाद अब हम डायरेक्टली DIY पे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ना आपको अपने हेयर को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है. सबसे पहले आपको दो जो मेन चीज़ें लगने वाली है वो हम बात कर लेते हैं. तो आपको लगने वाला है ऐसा ड्रॉपर, या आपको 10 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगा. एंड सेकेंड थिंग, आपको लगने वाला है गन्ने का रस, जो कि आपको 10 रुपये में बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी. अभी पूरा ग्लास भर के लिया है मैंने, लेकिन मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे इस ग्लास में थोड़ा सा निकालने वाली हूँ. बाकी आप चेहरे पे भी लगा सकते हो, मैं उसका भी एक अच्छा सा DIY आपके लिए ले आऊँगी. और बाकी आप पी भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंटरनल भी ज़रूरी है, सिर्फ एक्सटर्नली का कुछ नहीं होने वाला. आपके पास अगर ये ड्रॉपर नहीं है, अब हम ड्रॉपर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना क्योंकि इससे आपके स्कैल्प के हर एरिया में ये बहुत प्रॉपरली चला जाएगा, प्लस अच्छे से यूज़ हो जाएगा. और हम आप चाहो तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉटन नहीं सारा अब्जॉर्ब कर लेता है शुगर कैन जूस, आपके बालों पे क्या ही लगेगा, इसलिए हम ड्रॉपर के साथ जा रहे हैं. अदरवाइज आप कॉटन के साथ भी जा सकते हो. ये सब आपको 10 रुपये में बहुत ईजीली मिल जाएगा, कोई ऐसा झिकझिक नहीं है, ठीक है. तो आपको चाहिए ये जो ड्रॉपर है वो, एंड आपको चाहिए थोड़ा सा शुगर कैन जूस. आप चाहो तो इसमें अपना फेवरेट DIY ऑयल भी डाल सकते हो. मैंने अभी इसमें नहीं डाला क्योंकि मैं ऑयलिंग के हिसाब से इस चीज़ को नहीं कर रही हूँ, हम एक्सफोलिएंट के हिसाब से कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें डालने की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है. तो अब आपको अपने हेयर को प्रॉपरली पहले डिटैंगल कर लेना है एंड देन बीच में से इसे पार्टीशन करना है. हम बीच में से ही हमेशा शुरुआत करेंगे क्योंकि फिर अच्छे से आपके स्कैल्प के अंदर ही अच्छे से जाएगा एंड आपके हेयर को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा. क्योंकि इसके सी कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा रूखे सूखे. लिटरली अभी मैं जब कर रही थी तो मेरे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, या आप कह सकते हो बहुत ऑयली ऑयली लग रहे थे. तो मैंने अपने बालों को ये किया है अच्छे से डिटैंगल, क्योंकि स्किन सी अभी हम इसको जब यूज़ करेंगे ना, अब ये भी नोटिस करोगे कि आपके हेयर लिटरली स्ट्रेट हो जाते हैं.
अब ये मैं क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने लिटरली ट्राई किया है शुगर केन जूस ऑन माई हेयर एंड दिस हैपेंड। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इन जस्ट वन गो। लिटरली मुझे वेवी से स्ट्रेट हेयर मिले थे इन जस्ट वन गो। तो या ये देखो, अभी मैंने अच्छे से हेयर को डिटैंगल कर लिया है, ठीक है। अभी ना ये आपके डैंड्रफ को तो रोक मतलब स्टॉप कर ही देता है इन जस्ट वन यूज, एट द सेम आपके हेयर को स्ट्रेट कर देता है। सेकेंड थिंग, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। थर्ड थिंग, आपके हेयर को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फ्लेकी साइज या तो फिर आप कह सकते हो ना फ्रिजी फ्रिजी हेयर है, उसे स्मूथ शाइनी करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैंने अपने हेयर को अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटैंगल कर लिया है। अब आपको क्या करना है ना, आपको ये ड्रॉपर की हेल्प से इसमें गन्ने का रस लेना है। यू कैन सी मैंने ले लिया है अपने इस पर। आप चाहो तो कॉटन का यूज़ भी कर सकते हो। एंड आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है लिटरली, एंड देन एक मसाज देनी है। अब मसाज हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है, आपको मसाज देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, आप चाहो तो हेयर लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके हेयर को ये स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। गाइस, शुगर केन जूस इज समथिंग जो ना बहुत ज़्यादा रिच होता है ग्लाइकोलिक एसिड में, तो ग्लाइकोलिक एसिड के बहुत सारे फायदे मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के दे दूंगी, सो देट आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितने ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बीच बीच में मसाज इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है मसाज से, फॉर देट आपके जो हेयर है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए, पर जो स्कैल्प है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए। मसाज करने से हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है। आप चाहो तो स्कैल्प मसाजर का भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रही, कि हाथ इजीली हो जाता है। आप देख ही सकते हो कि मैं पहले स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आप हेयर लाइन पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, तो या मैं पहले इसे स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड इज लिटरली बेस्ट फॉर आपका स्किन ऑल्सो, लिटरली उससे ना आपके सारे पिगमेंटेशन वगैरह सब चले जाते हैं। गर्मी में अगर आपको सीरियसली अगर आपको शुगर केन जूस मिल रहा है उसका बहुत सारे फायदे आप उठा सकते हो, स्पेशली फॉर ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन। ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शुगर केन जूस स्किन को ड्राई ना करके मॉइस्चराइज करता है। लेकिन आप अगर ऑयली स्किन वाले में हो ना, डेफिनेटली यू शुड ट्राई जो मैं आपको DIY देने वाली हूँ। डेफिनेटली इसके बाद ही वो DIY आने वाला है। उसके लिए भी ना मैंने अलग से एक ड्रॉपर खरीदा हुआ है, क्योंकि आप कभी भी हेयर के लिए और स्किन का ड्रॉपर मिक्स नहीं करना चाहिए। आप इसको चाहे तो हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लिटरली आपको एक ही वॉश में देखिए, लिटरली आपको ना आपके हेयर के अंदर वो क्या बोलते हैं डैंड्रफ कम देखने के लिए मिल जाएगा, या तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग ब्राउन शुगर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल एक्सफोलिएंट का काम करता है, स्क्रब का काम करता है। हम शुगर भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन एक ट्रिक के साथ जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो एंड तक बने रहना। चाहो तो स्प्रे बॉटल का यूज़ भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉपर का ही यूज़ करना है। बट ड्रॉपर हम इसलिए यूज़ कर रहे थे कि स्कैल्प पे ये इजीली जाएगा। आप चाहो तो डेफिनेटली स्प्रे बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो। गाइस, कैन यू सी कि मैं बीच बीच में मसाज भी कर रही हूँ, एंड आपको अपने नाखूनों का यूज़ नहीं करना है, अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करना है। एंड डोंट वरी, ये इजीली रिमूव हो जाता है, कोई चिपचिपा फील नहीं होता। बस आपको शैम्पू बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको उसका भी ट्रिक देने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना है, सो दैट मैं आपको बता दूँ कि कैसे बहुत अच्छे से शुगर केन जूस आपके हेयर से रिमूव हो जाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ओनली प्रॉफिट।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने हेयर पे इसे बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब मैं इसे पूरे 1 घंटे के लिए अपने हेयर पे रहने दूंगी। मैं मिलता हूँ आपके के बाद 1 घंटे के बाद। हम एक अलग से ट्रिक के साथ इस पूरे हेयर मास्क को या शुगर कैन जूस को रिमूव करेंगे एंड आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। यू गाइस कैन सी कि अभी मेरे स्कैल्प थोड़ी सी गंदी दिख रही है, डैंड्रफ है मुझे डेफिनेटली। आफ्टर हेयर वॉश आपके सारे डैंड्रफ चले जाएंगे इन जस्ट 1 को। तो मैं आपको 1 घंटे के बाद। सो गाइज इट इज़ टाइम फॉर स्टेप 2। आपको क्या करना है ना, एक मग में अपना फेवरेट शैम्पू लेना है। मैं यहाँ पे सनसिल्क ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 शैम्पू मैंने इसमें लिया है। देन इसमें आपको ऐड करना है शुगर। आप चाहो तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो। इसमें आपको 2 to 4 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड करना है। इसमें कोई पानी मिक्स नहीं करना है एंड अपने स्कैल्प पे इस अच्छे से लगा लेना है। शुगर आपके स्कैल्प पे एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको क्या करना है ना, अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन अप्लाई करना है। बीच बीच में आप पानी यूज़ करो, इसमें मत डालना वरना वो अच्छा सा जो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छे से अपने स्कैल्प पे आपको रब करना है बिल्कुल माइल्ड से, क्योंकि थोड़ी देर में वैसे भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्के हाथों से करना है एंड देन आपको वॉशअप करना है। ये स्टेप आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टाइम फॉलो करना है। मैंने इसको 3 टाइम फॉलो किया है। 2 बार में आप इसे फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 टाइम फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने शैम्पू इसमें ज़्यादा ले लिया तो इसलिए मैंने 3 यूज़ कर लिया है शैम्पू का कंटेंट, लेकिन अगर आपने कम शैम्पू यूज़ किया है तो आप इसे ले लेना एंड देन आपको कंडीशनर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू गैस कैन सी कि अब मैंने अच्छे से हेयर को वॉश कर लिया है। अब आपको इसको सुखा लेना है यूजिंग माइक्रोफाइबर टॉवल। आफ्टर वॉशिंग मैंने इसको सुखा लिया था। अभी मैं इसको डिटैंगल कर रही हूँ। मैंने लिटरली कोई सीरम एंड कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है अभी के टाइम पे। यू गैस कैन सी कि कितना इजीली ये मेरे हेयर डिटैंगल हो रहा है। नॉर्मली मेरे हेयर डिटैंगल होने में मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि पूछो मत। और डिटैंगल होने में छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा लेते हैं। तो लिटरली अभी कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया था, सीरम नहीं कुछ नहीं। एंड यू गैस कैन सी कि कितना जल्दी से ये डिटैंगल हो गया है। प्लस आपके हेयर उस शाम में इतने ज़्यादा स्मूथ लगने वाले हैं ना कि कोई वो में कोई स्क्रंची में टिकने नहीं वाले हैं। अभी मुझे लिटरली सिर्फ कुछ भी हेयर फॉल नहीं हुआ, एक बाल आया बस, विच इज़ फ्रीकिंग नॉर्मल एंड दैट इज़ सो शॉकिंग फॉर मी। क्योंकि इतने ज़्यादा अगर टैंगल्ड बोलते हो है तो फिर नहीं निकले ना कुछ बाल। मतलब द मास्क वर्क्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यू गैस कॉन ऑल्सो सी कि कितने अच्छे से इसने मेरे स्कैल्प को क्लीन कर लिया है। कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। सो या मस्त है। देखा ना आपने कितना अमेजिंग मास्क है ये। लिटरली आपको कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा इस मास्क को बनाने के लिए या यूज करने के लिए। आज है day 3 ये वीडियो का एंड रिकॉर्ड करते करते एंड यू गैस कैन सी कि अभी भी मेरे हेयर कितने ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं एंड कितने ज्यादा शाइनी लग रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे लिटरली कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरे हेयर बॉल की बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अभी भी मुझे मैंने हेयर को कॉम किया है, मुझे 1% का भी हेयर फॉल नहीं हुआ। नॉर्मली 1 तो टूटना इज़ वेरी फ्रीकिंग नॉर्मल, लेकिन वैसे हेयर फॉल मतलब बहुत ज़्यादा टूट रहा है, सब कुछ भी नहीं हुआ। सो या आप ट्राई डेफिनेटली करना एंड अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। सो यार आज की वीडियो बस यही तक थी। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।